आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन अनेक कार्यक्रमों के साथ उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है, और इस अवसर पर मुझे भी आप सबके साथ इस छायाचित्र प्रदर्शनी में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर जो योगदान दिया है, वह हम सब के लिए इसलिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है कि जब भारत की वर्तमान विकास यात्रा को हम देखते हैं तो इस विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। काशी के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वह इस देश के अंदर उन सभी महापुरुषों के उस सपने को साकार करने वाला है जो इस देश के उन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के समय हमें कैसा भारत चाहिए, हमें किस प्रकार के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी सपने आज हम सबके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति इस बारे में अनुमान कर सकता है, जब शासन की योजनाओं में जन भागीदारी के माध्यम से हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित अपने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी, और मुझे लगता है कि वो एक पंक्ति पूरे भारतवासियों को और पूरी विश्व मानवता को भी बरबस अपना ध्यान आकर्षित करती है, जो उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, यानी सामर्थ्यवान ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, और सर्व मूलम च वैभवम, यानी श्रम शक्ति के बल पर ही हम वैभवशाली बन सकते हैं। यह पंक्ति बहुत कुछ कह देती है। सामर्थ्यवान वही हो सकता है जहां एकता होगी, जहां पर पंच प्रण के साथ जुड़ने का एक संकल्प होगा,